नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं देशित। योगी ने कहा है कि मुकाबला राक्षस से है। अब ये राक्षस कौन है? ये राक्षस अबू नज्म जैसे कट्टरपंथी मौलाना हैं जो मजहब के नाम पर गैर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच कई कट्टरपंथियों का एंटी हिंदू फतवा आया है। इसी कड़ी में एक नया नाम है अबू नज्म का। वैसे तो इसका बहुत लंबा नाम है, पूरा नाम है अबू नज्म फर्नांडो बिन अल इस्कंदर, लेकिन इसकी कट्टरपंथी सोच नाम से भी ज्यादा दूरी तक असर करती है। बांग्लादेश में खून खराबे पर इस मौलाना ने कहा कि हिंदुओं के पास सिर्फ दो ऑप्शन है और इसमें भी पहला ऑप्शन यह है कि हिंदू मौत को गले लगा ले। इसके खौफनाक फतवे की पूरी लिस्ट आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसे मौलानाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब सुनना जरूरी है। योगी ने हिंदुओं से आह्वान किया है कि राक्षसी प्रवृत्ति से मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। इस आह्वान का अर्थ क्या है, इस तैयारी का मतलब क्या है, आपको दिखाते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। योगी ने कहा है अब राक्षस से मुकाबला है। राक्षसी वृत्तियां जब भी तराजाम पर प्रबल होंगी उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। एंटी हिंदू जिहाद पर ये बाबा का हल्ला बोल है। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है। कट्टरपंथियों के खिलाफ बाबा का बिगुल बज चुका है। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, ये हम अवश्य प्रयास करें। अबू नज्म जैसा ग्लोबल कट्टरपंथी मौलाना जब हिंदुओं को मिटाने का फतवा देता है, जमात ए इस्लामी के कट्टरपंथी जब बांग्लादेश की भीड़ में घुसकर हिंदुओं के खिलाफ मारकाट मचाते हैं, सनातनवादियों पर जुल्म ढाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदूवादी नेता को जवाब देना पड़ता है। हिंदू हित की आवाज बुलंद कर रहे योगी ने बांग्लादेश हिंसा के बीच दो बड़े खतरों की तरफ उंगली दिखाई है। पहला खतरा एंटी हिंदू जिहादी है। इसमें ऐसे कट्टरपंथी शामिल हैं जिनके निशाने पर हमेशा से हिंदू रहे हैं, जो हिंदुओं को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और जुल्म ढाते हैं। योगी का आह्वान है कि मजहब के नाम पर होने वाली इस दहशतगर्दी का मुकाबला हिंदुओं को एकजुट होकर करना होगा। दूसरा बड़ा खतरा ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप रहते हैं लेकिन गाजा के लिए आंसू बहाते हैं। बाबा की नजर में इस खतरे से मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि ऐसे दलों का बायकॉट किया जाए, ऐसी पार्टी या संगठन से सावधान रहा जाए। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। राक्षसी वृत्तियां जब भी तराजाम पर प्रबल होंगी उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। बांग्लादेश की आबादी में 91% मुसलमान और 8% हिंदू हैं। हजारों हिंदू परिवार बेघर हो चुके हैं। हिंदुओं के मकान, दुकान और कई मंदिर तक जला दिए गए और नई सरकार बनने के बाद अब भी हिंसा रुकी नहीं है। बांग्लादेश के हिंदू एकजुट होकर अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं की भीड़ अब कट्टरपंथियों के पसीने छुड़ाने लगी है। तख्ता पलट करने वाले छात्र आंदोलन की तरह यहां हिंसा नहीं हो रही। कोई हिंदू प्रदर्शनकारी सड़क पर आग नहीं लगा रहा, वो अमन चैन लाने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी 5 बड़ी मांगे हैं। हिंदू और हिंदू मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, हिंदू पर हमला करने वालों को सख्त सजा मिले, पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा दें, विस्थापित हिंदुओं को बसाया जाए और माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाए।
बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं को दुनिया भर के हिंदुओं का साथ मिलने लगा है। लखनऊ से लेकर लंदन और टोरंटो से वॉशिंगटन तक हिंदू समुदाय के लोग घरों से निकल रहे हैं और अपनी अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर यूनुस सरकार पर दबाव बनाए। जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है तो उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े होने की गारंटी दी है। साथ ही अपने देश में विपक्ष की चुप्पी पर भी दलित वाले डेटा के साथ सवाल खड़े किए। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम पर योगी ने जो चिंगारी फेंकी उसके लपेटे में पूरा विपक्ष आ गया। जाहिर है जवाबी पलटवार तो होना ही था। जब विदेश नीति के सवाल पर कोई अलग से बात नहीं की जाती, तब ये बात कहना कि विरोधी दल बांग्लादेश के मामले में बोल नहीं रहे हैं, ये कहां तक उचित है, ये आदरणीय योगी जी खुद तय कर लें। सवाल हिंदुओं की सुरक्षा का है, सियासत का नहीं, क्योंकि अगर सियासत होगी तो फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए शुरू हुआ आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। कट्टरपंथ और मजहबी हिंसा के खिलाफ शांतिपूर्वक आंदोलन देश हित में जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जुल्म पर दुनिया मौन है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में फैले हिंदू जाग रहे हैं। वो जहां हैं वहीं से आवाज उठा रहे हैं और वो तस्वीरें हमने आपको अभी अभी दिखाई भी हैं। अब आपको उस कट्टरपंथी मौलाना अबू नज्म की गीदड़ भभकी भी दिखाते हैं जो हिंदुओं को मिटाने की बात करता है। अबू नज्म फर्नांडो बिल अल इस्कंदर, जितना लंबा नाम है उतनी ही कट्टर सोच है। इसके दिमाग में हिंदू विरोध का जहर इस कदर भरा पड़ा है कि पूछिए मत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखकर इसे खुशी हो रही है। ये शख्स अबू नज्म अमेरिका में रहता है, अंग्रेजी बोलता है, खुद को पीएचडी का छात्र बताता है। किसी बड़े मौलाना की तरह यह आदमी भी माइक पर इस्लाम के बारे में लंबे लंबे भाषण देता है। लेकिन सच तो यह है कि इसका लेक्चर इस्लाम पर कम, कट्टरपंथ पर ज्यादा होता है। अमेरिका में बैठकर इस शख्स ने हिंदुओं के खिलाफ फतवा जारी किया है। इस कट्टरपंथी ने बांग्लादेश के मुसलमानों से अपील की है कि वहां रहने वाले हिंदुओं को मिटा दो। अबू नज्म ने कहा कि हिंदुओं के पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो वो इस्लाम को कबूल करें, नहीं तो तलवार का सामना करें और मौत को गले लगा लें। सोशल मीडिया पर इसका ये पोस्ट वायरल हो रहा है। मजहब के नाम पर दहशतगर्दी वाली सोच का आलम देखिए। यह आदमी एक तरफ कहता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, यह सब प्रोपेगेंडा है, तो दूसरी ओर हिंदुओं को मिटाने की मुहिम चलाता है। अबू नज्म की मजहबी सनक देखिए। बोलता है, हिंदुओं को मुस्लिम देश में रहते हुए दबकर रहना चाहिए, यह कबूल करके जीना चाहिए कि वह मुसलमानों से बहुत नीचे है। इतना ही नहीं, यह हिंदुओं का लुक भी बदलना चाहता है। इसके मुताबिक हिंदुओं को अपने बाल मुंडवा लेने चाहिए, सिर नीचे करके बात करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं वहां के सरकार से, जो नवगठित सरकार बनी है, हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा और अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए और भी उपाय किए जाएं, जैसे ऐसे कट्टरवादी मौलाना इस प्रकार से अपने ही देश के नागरिकों की ना कह सके कि या तो बांग्लादेश छोड़ के जाओ या तो इस्लाम स्वीकार कर लो। जितने भी जिहादी धर्मगुरु आतंकवादी टाइप के हैं, जो जिहाद के लिए, शरीयत कानून के लिए फतवा जारी करने के लिए मुस्लिमों को उकसाने का काम करते हैं, यदि पूरे विश्व में जिहादी अपनी मानसिकता को ठीक नहीं करते हैं तो इनकी स्थिति भयावह होगी। अबू नज्म की जहरीली मानसिकता जैसे जैसे हिंदुओं को पता चल रही है वो जवाब दे रहे हैं। अबू नज्म जैसे कट्टरपंथी हर देश में फैले हैं। हो सकता है कुछ मुस्लिम मुल्कों में ऐसी कट्टरपंथी सोच को जगह मिल रही हो, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे कट्टरपंथियों और ऐसी जहरीली सोच के लिए कोई जगह नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बांग्लादेश में बीते 5 अगस्त से चल रही हिंसा की कहानी अब 360 डिग्री घूम गई है। छात्रों के बीच कट्टरपंथी जहां अब तक देश में दंगे कर रहे थे, हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा था, पूरे देश में लूटपाट की जा रही थी, पूरा देश अराजकता की आग में सुलग रहा था, तो वहीं अब अंडरग्राउंड हो चुके शेख हसीना के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए और सीधा सेना पर हमला बोला गया है। सेना के जवानों के हथियार छीने गए, सेना की गाड़ियों में आग लगाई गई और शेख हसीना की हर हाल में वापसी की कसम खाते हुए उनके समर्थकों का कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। एक गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला हो रहा है, कुछ लड़के पूरी ताकत के साथ इस वैन पर वार कर रहे हैं। जानते हैं ये वैन किसकी है? बांग्लादेशी फौज की। और जो लोग बांग्लादेशी सेना की गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं, ये किसी छात्र आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारी नहीं है, ये तख्ता पलट वाले प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है, ये तो शेख हसीना के समर्थक है। इसे आप सेना के खिलाफ हसीना ब्रिगेड का पहला हिंसक पलटवार भी कह सकते हैं। हसीना के समर्थकों ने सिर्फ फौज की गाड़ी ही नहीं तोड़ी बल्कि उसमें आग भी लगा दी। बांग्लादेश के गोपालगंज में शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर आ गए, विरोध प्रदर्शन कर रहे समर्थकों पर सेना ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज और फायरिंग से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सेना के जवानों पर हमला कर दिया। सेना के जवानों ने एक घर में छिपकर अपनी जान बचाई। प्रदर्शनकारियों ने एक जवान से हथियार छीनकर उनके वाहन में आग लगा दी। अब तक जहां छात्र आंदोलन में शामिल रहे लोग और कट्टरपंथी संगठनों के सदस्य बांग्लादेश में हिंसा फैला रहे थे, अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों का कत्लेआम मचा रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे, लेकिन अब पहली बार हसीना के समर्थकों ने पलटवार किया है और हमला सीधा सेना पर हुआ है। तख्ता पलट करने वाली सेना पर हसीना के समर्थक हावी हैं। लेकिन बांग्लादेश की हिंसा वाली पिक्चर में आए इस यूटर्न की भी एक कहानी है। 15 साल के शासन के बाद महज 15 मिनट के अंदर देश छोड़ने पर मजबूर हुई शेख हसीना के जाते ही देश हिंसा की आग में जलने लगा। सड़कों पर उठता धुआं हिंसा की गवाही देने लगा। प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारी टूट पड़े, लूटपाट की गई, घर में जो मिला लूट लिया गया। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने जिस देश को आजादी दिलाई और बांग बंधु की उपाधि पाई, उसी देश में उनकी स्टैच्यू पर बुलडोजर चला दिया गया। प्रदर्शनकारी कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया, उनके घरों पर आग लगा दी गई, तो वहीं शेख हसीना के समर्थक अंडरग्राउंड हो गए। बांग्लादेश में करीब 76 पुलिस स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया गया। सड़कों से पुलिस गायब हो गई, सेना ने मोर्चा संभाल लिया, प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए फ्री हैंड दे दिया गया। बीते एक हफ्ते में देश अराजकता का पर्याय बन गया। जब देश हिंसा की आग में था, शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय ने बीते शुक्रवार उनकी वापसी का ऐलान कर सबको चौंका दिया। We're waiting to see how the situation plays out. Whether she returns to politics or not, she would like to go back to Bangladesh. Sajeev Wajid ke in shabdon ne Hasina ke samarthakon mein jaan phoonk di aur kahani puri tarah palat gayi. Hasina ke samarthakon ne sadkon par operation Badlapur shuru kar diya. Desh mein takhta palat kar dene wali sena ke khilaf Hasina ke samarthakon ka gussa phoot pada. अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता हसीना को देश वापस लाने की कसम खा रहे हैं। ऐसे में क्या हसीना की वापसी का रास्ता खुलने वाला है? क्या बांग्लादेश की पॉलिटिकल पिक्चर में अभी बहुत कुछ होना बाकी है? क्या बांग्लादेश में हसीना रिटर्न के साथ ही एक और तख्ता पलट होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बढ़ते आगे। नागपंचमी के दिन हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाई गई। मध्य प्रदेश में विजय सूर्य मंदिर के बाहर मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद गहरा गया। जी न्यूज ने जब पूरे मामले की पड़ताल की तो एक एक सच बाहर आ गया।
आखिरकार इस सच को दुनिया के सामने लाने के बाद विदिशा के कलेक्टर नप गए। दरअसल यहां की एक एक चीज इस बात की गवाही दे रही थी कि यहां मंदिर है और कुछ नहीं हो सकता। अब यहां के लोग भी खुश हैं। ये तस्वीर आप दिखाइए, ये तस्वीर, ये भगवान गणेश है, ये पिंडिया है, ये बिल्कुल शिवलिंग की है। मस्जिद में तो ऐसी नहीं होती है, भगवान शिव नजर आ रहे हैं जी। अच्छा, ये मंदिर है? मंदिर ही है और क्या है। औरंगजेब के आतंकी बांगी की एक नाग पंचमी के दिन यानी 9 अगस्त 2024 को जी न्यूज ने विजय सूर्य मंदिर का ताला न खोले जाने से नाराज हिंदुओं को लेकर एक्सक्लूसिव पड़ताल की थी। उस दिन जो सच हमें दिखा वो आंख खोल देने वाला था। और ठीक 2 दिन के भीतर ही हमारी पड़ताल से हुए खुलासे का असर ऐसा हुआ कि प्रशासन भी हरकत में आ गया। आज यहाँ की जनता ने राहत की सांस ली है। कलेक्टर का ट्रांसफर सही है और मैं जी मीडिया की टीम को और मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कलेक्टर का जो ट्रांसफर हुआ है बिल्कुल अच्छा हुआ है। ऐसे कलेक्टरों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करनी ही चाहिए। पूजा पहले से भी होती आई है और मुसलमानों का जहां तक मामला है तो मुसलमानों के लिए पहले से भी ईदगाह दे दी गई है। दरअसल उस दिन बीजा मंडल के मंदिर को मस्जिद बताने वाले विदिशा के कलेक्टर बुद्धदेव कुमार वैद्य को यहां से हटना पड़ गया है। उन्हें देर रात एक आदेश के जरिए विदिशा से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया है। आपको याद दिला दें कि कलेक्टर साहब ने ASI के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए बीजा मंडल को मस्जिद बताया था और यहां विजय मंदिर में प्रशासन का लगा ताला नहीं खोला था, जिसके बाद यहां विवाद छिड़ गया। बीजा मंडल के बाहर भारी प्रदर्शन हुआ। नाग पंचमी के दिन यहाँ लोगों का आक्रोश बढ़ता देख जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची थी। ये इसमें कृष्ण नजर आएंगे आपको, ये राधा नजर आएंगी। आपको बता दें कि विजय मंदिर मुक्ति आंदोलन भी चल रहा है तो कुछ लोगों का मानना है कि इससे पहले यहाँ कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ। अब यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ के मंदिर के ताले भी खुलेंगे। एक समय ऐसा भी था जब हिंदुओं पर सैकड़ों मुकदमे लग जाते थे और सरकार टस से मस नहीं होती थी। एक समय यह है कि आज हिंदुओं की सरकार ने, आज हमें विश्वास है कि बीजा मंडल के ताले भी खुलेंगे और जल्द से जल्द खुलेंगे। दूसरी ओर सियासी बवाल एक बार फिर शुरू हो गया है। हालांकि विदिशा के कलेक्टर के साथ साथ 26 IAS अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए बड़ा धमाका हुआ है। रिपोर्ट में इस बार सेबी चीफ को घेरा गया है। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में निष्पक्ष नहीं होने का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि माधवी बुच के अडानी ग्रुप से गहरे संबंध है, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। रिपोर्ट में हुए धमाके से सियासी घमासान छिड़ा है तो कल निगाहें बाजार पर भी टिकी हुई हैं। मौके पर चौका लगाने वाली कंपनी यानी अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग एक बार फिर सुर्खियों में है। अडानी ग्रुप पर निशाना साधने वाले हिंडनबर्ग ने इस बार नया धमाका करते हुए सीधे भारतीय शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था यानी सेबी चीफ माधवी पुरी बुच पर हमला बोल दिया है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि सेबी चीफ माधवी बुच ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में सख्ती नहीं बरती, इसलिए 18 महीने तक कोई जांच ही नहीं हुई। यही नहीं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि सेबी चीफ का अडानी ग्रुप से करीबी नाता है। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में निष्पक्षता नहीं बरती गई। सबूतों के बावजूद अडानी ग्रुप पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स के खिलाफ एक्शन तक नहीं हुआ क्योंकि बुच दंपति की ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी है। इससे पहले कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी चीफ की ओर से सफाई आती, सियासी घमासान का बिगुल बज गया है। सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग से लेकर समय से पहले अनिश्चित काल के लिए संसद स्थगित होने पर विपक्ष ने सवाल उठाया है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी सदन के बाहर बराबर पलटवार कर रही है। JPC की जांच के बगैर
इन सवालों के जवाब नहीं मिल सकते, आज एक आम निवेशक का विश्वास भारत के मार्केट्स पे हिल गया है, क्योंकि रेगुलेटर कॉम्प्रोमाइज्ड है। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। मुझे पता है आज के बाद दो दिन तक हमारे प्यारे तिरंगे को पीछे रख करके बयान दिए जाएंगे, जो मैं समझता हूँ कि अशोभनीय होगा। सीधे तौर पे कहता हूँ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है। जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है, तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। सियासी संग्राम के बीच अडानी ग्रुप ने अपने बयान में कहा है कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया है। आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। आपको याद दिला दें कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग, शेयर मैनिपुलेशन जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरी ओर सेबी चीफ ने सफाई देते हुए कहा है, हमारा जीवन और फाइनेंसेस एक खुली किताब है। हालांकि हिंडनबर्ग की हिला देने वाली खबर के बाद अब सभी की निगाहें सोमवार पर लगी हैं, जब शेयर बाजार अपना रुख दिखाएंगे। सभी निवेशकों की जो नजर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर रहेगी कि गवर्नमेंट जो है इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद जो है किस तरीके से रिएक्ट करती है। और मेरा जो बिट ऑफ एडवाइस है वो ये रहेगा कि जो छोटे निवेशक हैं या जो आम इन्वेस्टर है, उसको जो है अभी स्पेकुलेशन में बिलीव नहीं करना चाहिए और उनको जो है लॉन्ग पोजिशंस में बिलीव करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सवाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की टाइमिंग से लेकर उसके आरोपों की सच्चाई पर भी है, जिसका जवाब तलाशना जरूरी होगा। सवाल ये भी है कि क्या बाजार निवेशकों का पैसा निकलेगा या शांत रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कई सवालों का जवाब कल का बाजार दे सकता है। वैसे हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से उठते और क्या क्या सवाल हैं, वो आपके सामने हम जरूर रखते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या सेबी प्रमुख की मिलीभगत से अडानी मामले में शामिल ऑफशोर फंड्स पर एक्शन में देरी हुई। दूसरा सवाल यह है कि क्या आरोपों के बाद अब भी सेबी की अडानी मामले पर जांच भरोसेमंद मानी जाएगी। तीसरा सवाल यह है कि क्या पति जिस कंपनी में एडवाइजर हैं, उसे फायदा पहुंचाने के लिए REIT की पॉलिसी को प्रमोशन मिला। एक और सवाल यह कि एक से बढ़कर एक घरेलू और ट्रांसपेरेंट फंड और निवेश के माध्यम है, फिर ऑफशोर रूट का सहारा क्यों लिया गया। और पांचवा सवाल यह है कि सेबी प्रमुख जिस अगोरा एडवाइजरी की मालिक, उसकी आमदनी में इतना भारी इजाफा कैसे हुआ। और दूसरी ओर हिंडनबर्ग के आरोप के बाद बड़े सवाल भी उठते हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या वित्त मंत्री इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कराएंगे। दूसरा सवाल यह कि हिंडनबर्ग के आरोपों की सच्चाई आखिर क्या है। तीसरा सवाल यह कि आरोपों के बाद क्या PMO कोई एक्शन लेगा। सवाल नंबर चार यह कि आरोप के बाद सेबी चीफ का क्या पद पर बना रहना उचित है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरा है। सेबी चीफ की भूमिका पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि अब तक सेबी चीफ माधवी बुच का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ है। राहुल ने साथ में यह भी कहा है कि अगर निवेशकों का पैसा डूबा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी, सेबी चीफ या फिर गौतम अडानी इसके जिम्मेदार होंगे। वहीं राहुल गांधी ने यह भी पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले का स्वतः संज्ञान लेगा। और आइए बढ़ते हैं आगे। हिंदुस्तान के कई राज्य बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। हिमाचल प्रदेश के कई जिले बाढ़ में डूब गए हैं। ऊना में नदियां उफान पर हैं, तो वहीं किन्नौर में बारिश के बाद सैलाब के हालात हो गए हैं। राजस्थान के कई जिलों में भी बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। होशियारपुर में बारिश ने 9 लोगों की जान ले ली। उधर भरतपुर में बारिश के पानी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। हरियाणा के अंबाला में भी मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं गुरुग्राम में बारिश ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है।
सड़कों पर सैलाब की ये तस्वीरें दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम की है, जहां जितनी दूर तक आप देखेंगे सड़क नहीं सिर्फ पानी ही दिखेगा। कहीं कोई गाड़ी फंसी है, कहीं कोई दोपहिया वाहन फंसा है। लोगों के चलने के लिए अब फुटपाथ ही सड़क बन गई है और सड़क पर पानी का झरना बह रहा है। बारिश के बाद पूरा इलाका डूबा डूबा नजर आ रहा है। सैलाब के बीच फंसी सिनोवा कार को देखिए, इसमें 12 लोग सवार थे। सैलाब की ड्राइव के आगे ये कार सरेंडर कर गई। आप देख सकते हैं कि कैसे ये कार बहती चली जा रही है, इसमें बाढ़ बारिश का मलबा भर चुका है। गाड़ी की हालत बता रही है कि इसमें बैठे लोगों के साथ क्या हुआ होगा। बुलडोजर से गाड़ी को बाहर निकालने का इंतजाम हो रहा है, लेकिन इस कार में सवार 9 लोगों को जिंदा नहीं निकाला जा सका। 9 लोगों की इस बाढ़ में डूबकर मौत हो गई। तो इस बारिश से राजस्थान की राजधानी भी पानी पानी हो गई। करतारपुर नाला ओवरफ्लो हो गया, सड़क के लेवल पर पानी आने से सड़कें जलमग्न हो गई। तेज बारिश से शहर के बाजारों में पानी घुस गया। सुभाष चौक, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर पानी ने कब्जा जमा लिया। बाजारों में खड़ी गाड़ियां बारिश के पानी में डूब गई। ये राजस्थान के अलवर की तस्वीरें हैं, जहां बीती रात से बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हैं। शहर की सड़कें पानी का दरिया बन गई। बालाकिला बफर जोन के कृष्णकुंड, बालाकिला, सागर जलाशय और कई जगहों पर पहाड़ियों से झरने बहने लगे। अलवर के पर्यटक स्थलों पर पहुंचे लोग इन झरनों में बहते पानी का आनंद लेते नजर आए। मूसलाधार बारिश के बाद बालाकिला के आसपास का पानी बुद्ध बिहार कच्ची बस्ती इलाके में बहुत तेज बहाव से आया। तेज बहाव की वजह से पानी झरने में बदल गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि मानो किसी ऊंचे पहाड़ से पानी गिर रहा हो। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बारिश के बाद बसपा नदी उफान पर। भारी बारिश के बाद किन्नौर में नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। तेज बारिश के बीच डूबती सड़कें, घरों तक घुसता पानी, मैदान और पहाड़ों पर आसमानी आफत बता रही है कि कुदरत की मुसीबत टली नहीं है। अगस्त में अभी मौसम की मार के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देशहित में अब खबर है महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे के काफिले पर कल रात हमला हुआ और हमले का आरोप उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस पर लगा। लेकिन इस लड़ाई में अब अहमद की एंट्री हो गई है और अहमद की एंट्री कराने वाले नेता का नाम है संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। सवाल यह है कि दो भाइयों के सियासी झगड़े में अहमद का जिक्र क्यों हुआ? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले को 24 घंटे गुजरने को हैं, लेकिन इन तस्वीरों से अब तक महाराष्ट्र की सियासत में हाई टाइड जारी है। क्योंकि महाराष्ट्र की जो सियासत कभी शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के इशारों पर चलती थी, उसी शिवसेना प्रमुख के बेटे उद्धव ठाकरे के काफिले पर टमाटर और चूड़ियां फेंकी गई। उद्धव के संजय ने इस हमले की पटकथा दिल्ली में लिखे जाने के आरोप लगाए हैं। इस प्रकार का अपराध फिर मत करिए, गड़बड़ हो जाएगी। कि आपको कोई करवा रहा है आपसे, और वो अमर शाह अब्दाल है दिल्ली का, जिसने बहुत बड़े सुपारी दी है महाराष्ट्र में इस प्रकार से अराजकता फैलाने के लिए। संजय राउत ने अहमद शाह अब्दाली की संज्ञा किसको दी और किसको दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी दी, उसे समझने के लिए कल की तस्वीरों को एक बार डिटेल में देखिए। इस हमले को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया और उसकी गवाही है ये वीडियो। आप देख सकते हैं कि उद्धव का काफिला जब यहाँ से गुजर रहा था तो चारों हमलावर आम लोगों की तरह सड़क किनारे खड़े थे। जैसे ही कुछ गाड़ियां आगे निकली,
और उद्धव की गाड़ी करीब आई तो हमलावरों ने नारियल, टमाटर और चूड़ियां उद्धव की तरफ फेंकी और तुरंत मौके से 9-11 हो गए। उद्धव के काफिले पर हमला करने वाले फरार आरोपी एमएनएस कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। इन चारों के अलावा यहां एमएनएस के और कार्यकर्ता मौजूद थे जिन्होंने उद्धव के काफिले को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने 50 एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अब सवाल है कि जब उद्धव के काफिले पर हमला राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने किया तो संजय राउत ने तार दिल्ली तक क्यों जोड़े? दरअसल लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने एनडीए गठबंधन को समर्थन दिया था। इस समर्थन को कोट कर संजय ने हमले में बीजेपी की भूमिका जोड़ दी। वो अमर शाह अब्दाली है दिल्ली का, जिसने बहुत बड़ी सुपारी दी है महाराष्ट्र में। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट की लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और औरंगजेब पर आ चुकी है। पिछले महीने ही जब गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर थे तब उन्होंने महाविकास अघाड़ी को औरंगजेब फैन क्लब बताया, तो उद्धव ठाकरे को इसका सदस्य। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहा लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। अमित शाह के इस बयान के बाद खुद उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताकर लड़ाई को औरंगजेब वर्सेस अब्दाली पर ला दिया। अहमद शाह अब्दाली और अब उद्धव के काफिले पर हमले में राज ठाकरे को मोहरा बताकर बीजेपी पर फिर अब्दाली के तीर चलाए। अरे वो तो सब मिली जुली सुपारीबाज है सभी। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा नतीजों से उत्साहित महाविकास अघाड़ी अब निशाने पर सीधे बीजेपी आलाकमान को ले रही है और चुनावों तक औरंगजेब फैन क्लब और मोहम्मद शाह अब्दाली के जुबानी शोर गूंजते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में बाबा का बुलडोजर छुट्टी वाले दिन भी एक्शन में। यूपी के मिर्जापुर में अवैध रूप से बने चर्च पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। खेल करने वाले आरोपी ना अदालत के बुलाने पर जा रहे थे ना ही कानून की किताब मान रहे थे। ऐसे में बाबा का बुलडोजर कहां रुकने वाला था। खेल का भांडाफोड़ तो हुआ ही, अवैध कब्जे को भी मिट्टी में मिला दिया गया। बाबा का बुलडोजर जहां कहीं भी अवैध कब्जा होता देखता है उस पर कार्रवाई करने के लिए वो निकल पड़ता है। जहां कहीं भी भू माफिया जमीन हत्याते हैं उसे छुड़ाने के लिए वो चल पड़ता है। एक बार फिर बाबा का बुलडोजर मिर्जापुर पहुंच गया है। हैरानी की बात यह है कि यहां अवैध चर्च बनाकर नया ही खेल चल रहा था। मिर्जापुर में वन विभाग की जमीन पर अवैध चर्च बनाकर पिछड़े आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण का काम किया जा रहा था। हम लोग को पता चला था कि एक वन विभाग की भूमि पर स्थित एक चर्च है जो कि इलीगल ढंग से बना हुआ है और यहाँ अगल बगल के जो लोग हैं भोले लोग हैं उनको ये उनका धर्मांतरण कराते हैं। तो सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। लेकिन अब यहाँ वन विभाग की जमीन पर बनी चर्च पर सीएम योगी का बुलडोजर बेधड़क चला। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। दरअसल यहाँ अवैध चर्च की आड़ में वन विभाग की जमीन पर कब्जा जमा लिया गया था। मामला अहरोरा थाना क्षेत्र के जंगल मोहाल का बताया जा रहा है। यहाँ वन विभाग की जमीन पर विनोद कुमार और रमाकांत ने अवैध कब्जा कर चर्च और भवन निर्माण कर लिया था, जहां आसपास के लोगों को इकट्ठा कर उन्हें बहला फुसलाकर धर्मांतरण किया जा रहा था। जमीन पर ये चर्च बना हुआ था उसकी जब जांच कराएगी तो वो वन विभाग की जमीन पाई गई। इनको नोटिस दिया गया और इसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आज नियमानुसार पुलिस की प्रशासन की और वन विभाग की टीम सम्मिलित रूप से आज इन लोगों के जो यहाँ अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त करा दिया गया। शिकायत मिलने पर दोनों को उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा नोटिस भी जारी किया गया लेकिन उन्होंने इसकी अनसुनी की। आखिरकार पुलिस और प्रशासन को यहां सख्ती दिखानी पड़ी। साफ है यूपी में चाहे अवैध कब्जा कर मंदिर बना दिया जाता हो या मस्जिद या फिर चर्च की आड़ में धर्मांतरण का खेल हो रहा हो, ये बाबा के बुलडोजर सभी तरह के गैर कानूनी काम पर एक जैसी कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बढ़ते हैं आगे। एनकाउंटर फिर से शहादत।
आखिर कब तक? कश्मीर में आतंकियों को ढूंढने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आतंकी लगातार छिप छिप कर आतंकी हमले कर रहे हैं। निशाने पर देश के वीर सपूत हैं जो अपनी शहादत देकर देश की रक्षा कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर कैसे इन आतंकियों पर लगाम लगेगी, क्योंकि अब आतंकी साजिश रचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और हमारे जवान भी निशाने पर आ रहे हैं। खूबसूरत कश्मीर में अब आतंकियों की गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही है। इन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाने के लिए देश के वीर सपूत दिन रात इनका एनकाउंटर कर रहे हैं, चाहे इन्हें जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़ रही हो। शनिवार शाम अनंतनाग के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 3 सैनिक और 2 आम नागरिक घायल हुए थे। इनमें से 2 जवान अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गए। सेना गरमांडू और अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रही है। आतंकी हमले में घायल हुए 1 जवान और 2 नागरिकों का इलाज जारी है, तो वहीं सुरक्षा बल लगातार दूसरे दिन कोकरनाग के गरमुंडा वन क्षेत्र में एक बड़े अभियान में लगे हुए हैं। आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। एक इंटेंस सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, तो उस एक्सचेंज ऑफ फायर में जो है सेना के जवान घायल हुए थे, 2 उनमें से शहीद हुए, लेकिन उसके बाद से रीएनफोर्समेंट इस पूरे जंगल में जो है लगा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों की गिनती 3 से 4 हो सकती है, लेकिन एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आतंकी नागरिकों के इतने करीब पहुंचे कैसे। डोडा की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर है, उसके उसी के पास में है, ये उसी बॉर्डर्स के काफ़ी पास में है, तो ये अभी आपको बाकी तफसीला जो है बाद में साझा की जाएंगी, क्योंकि अभी ऑपरेशन अभी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन काफ़ी इंटेंसिवली चल रहा है, तो उसके बाद जब कंक्लूड होने के बाद ही इस तरह की जानकारी शेयर कर पाएंगे। अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में भी सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेना यहां सर्च ऑपरेशन चला रही है। डिफेंस एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अब की बार आतंकियों की तैयारी कुछ अलग तरीके की दिखती है। बॉर्डर सारे खुले हैं, पीओके के अंदर से आ रहे हैं, उनके कैंप्स हैं, उनकी आर्मी वहां बैठी है, वो अपने स्लीपर्स, उनके जो ट्रेनर्स हैं, वो इनको लॉन्च कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं। इसको रोकने का एक ही तरीका है, पहले तो है एक कमांड एंड कंट्रोल में पूरा जम्मू एंड कश्मीर लाइए, एक कमांडर के अंडर सारी फोर्सेज होनी चाहिए। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सरकार मानती है कि जम्मू क्षेत्र में दबाव बढ़ा है। सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो इस कदर पुख्ता नहीं हो पा रही कि हमले रुक सकें। इस चूक की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। दबाव पड़ा था कश्मीर घाटी में, उनका फोकस इस तरफ हुआ, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति बदली है। मुझे लगता है कि आने वाले इस कुछ सप्ताह में इस पर नियंत्रण भी पा लिया जाएगा। साफ है आतंकियों के पूरी तरह सफाई में अब देरी बर्दाश्त के बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब समंदर में दुश्मनों की एटमी ब्लैकमेलिंग का जवाब मिलने वाला है। INS अरिहंत का नया साथी INS अरिघात दुश्मनों को दिन में तारे दिखाने के लिए तैयार है। समंदर का यह नया रक्षक हर परमाणु हथियार से लैस है जो दुश्मनों के होश फाख्ता करने की शक्ति रखता है, ताकत रखता है। विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बना 6000 टन का INS अरिघात कमीशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। समंदर का सरदार बनने से पहले INS अरिघात के सभी जरूरी ट्रायल्स पूरे कर लिए गए। इन ट्रायल्स में सफलता के बाद अब औपचारिक तौर पर INS अरिघात समंदर में कमीशन्ड होगा। INS अरिहंत ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। अब उसका साथी INS अरिघात दुश्मनों का काल बनने के लिए तैयार है। अंडर वाटर एटमी अखाड़े में हिंदुस्तान ने अपना परचम लहरा दिया है। ये एटमी ब्लैकमेलिंग का पावर पैक जवाब है। देश को जल्द ही न्यूक्लियर पावर से लैस परमाणु मिसाइल पनडुब्बी मिलने जा रही है। न्यूक्लियर पावर से लैस ये सबमरीन जल्द ही तैनाती के लिए तैयार है। इसकी तैनाती के साथ ही देश को 2 और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मिलने वाली है, जिससे जाहिर तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक धमक पर लगाम लगेगी। INS अरिघात भी INS अरिहंत की तरह 750 किलोमीटर रेंज की K-15 मिसाइलों से लैस होगी।
इसमें वॉरफेयर फ्रंट, टॉर्पिडो, एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइलों से लैस दो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां शामिल हैं। ये पनडुब्बी किसी भी तरह की जंग के लिए परमाणु मिसाइलों से लैस है। 7000 टन का INS अरिदमन 3500 किलोमीटर रेंज की K4 मिसाइलों के साथ अगले साल शुरू होगा। भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ और प्रोजेक्ट्स को भी जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। समंदर का नया रक्षक INS अरिघात पलक झपकते ही तबाही मचाने के लिए तैयार है। हर परमाणु हथियार से लैस INS अरिघात भारत की ताकत में समुद्री शक्ति में इजाफा करेगा। भारत ने परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों को बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। भारत जल्द ही परमाणु ईंधन से चलने वाली पारंपरिक और गैर परमाणु हथियारों से लैस दो पनडुब्बियों को बनाने के लिए जल्द ही मंजूरी दे सकता है। ये दोनों पनडुब्बियां टॉर्पिडो, एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइलों से लैस होंगी। इन दो मारक पनडुब्बियों को बनाने में एक दशक लगेगा, जो लगभग 95% स्वदेशी होगी। इन दो पनडुब्बियों के तैयार होते ही अगली चार पनडुब्बियों को मंजूरी दी जाएगी। पानी में भारत का एटमी पराक्रम देख दुश्मन देशों के बीच खलबली मची हुई है। दुश्मनों का अंत करने के लिए एक और अरिहंत तैयार है। समंदर में ड्रैगन के विस्तारवादी इरादों पर पानी फिरने वाला है। अरिहंत की एंट्री भारत की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। समंदर का यह नया रक्षक दुश्मनों के पलक झपकते ही तबाही लाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल गुस्से में है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में साथी डॉक्टर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सरकार पर सवाल ताने जा रहे हैं। बेटियां सवाल पूछ रही हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाएं ही सुरक्षित क्यों नहीं हैं? और ममता के मां माटी और मानुष के नारे का आखिर क्या हुआ? ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ प्रदर्शनकारियों की भीड़ है तो वहीं उनको काबू करने के लिए भारी पुलिस बल। देश की बेटियां हाथों में तख्ती लिए सुरक्षा की मांग कर रही हैं। वो प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से न्याय की गुहार लगा रही हैं। लेडी डॉक्टर की हत्या को लेकर साथी डॉक्टर्स में आक्रोश है। 3 दिन पहले महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य में एक लेडी डॉक्टर की अस्पताल के अंदर ही दरिंदगी के बाद हत्या कर दी। कोलकाता पुलिस ने आरोपी को 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था, मगर एक बेटी के साथ हुई हैवानियत पर बंगाल गुस्से में। जहाँ पे हम लोग देखे थे कल, एक तरफ से बवाल मची हुई थी ये हॉस्पिटल में। एक तरफ से जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, वो लोग एजिटेशन कर रहे थे। बाहर पॉलिटिकल पर्सनल आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक जो हाल है, ये जो कर्म विरति है वो चल रही है, लेकिन उसके साथ जो विक्षोभ प्रदर्शन है वो भी किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है स्टूडेंट के तरफ से। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। मामले की जांच CBI को सौंपे जाने की मांग की जा रही है। हम लोग को CBI चाहिए, और आज मुख्यमंत्री बोला है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाटकबाजी क्यों करते हैं मुख्यमंत्री? आप लोग पूछते नहीं है? आपको अगर कोई एतराज नहीं है तो आप चिट्ठी लिखिए। अगर CBI चाहिए कोई भी केस में, स्टेट गवर्नमेंट को लिखना है। सियासी बयानबाजी के बीच कई सेलिब्रिटीज भी इस बर्बर हत्याकांड के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। Very unfortunate, a strict action नहीं होना चाहिए। There should be strict action against it. It's terrible. एक गिरफ्तारी कर ममता सरकार प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को शांत करने की जुगत में जुटी है, तो वहीं जब राज्य की बेटियां सड़कों पर इंसाफ के लिए लड़ रही हैं, ऐसे में ममता के उस राजनीतिक नारे की भी बात की जा रही है जहां वो मां, माटी और मानुष की बात कहते नहीं थकती थी। 2.5 साल में पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। दरअसल अब यूक्रेन की सेना पुतिन के गढ़ में घुसकर हमले बोल रही है, ठीक उसी अंदाज में जैसे पुतिन की सेना यूक्रेन पर टूट पड़ती है। दुनिया को डर इस बात का भी है कि कहीं पुतिन अब कोई बड़ा कदम ना उठा ले। ये हमले पुतिन के देश यानी रूस में हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक आदेश के बाद रूस यूक्रेन की लड़ाई नए मोड़ पर पहुंचती जा रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस तरह का नजारा पुतिन को देखने को मिला है, क्योंकि यूक्रेनी सेना रूस के भीतर तक घुस आई है। रूस के कुर्स इलाके में भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है, जिससे पुतिन खुद हैरान है, क्योंकि उन्हें यहां रह रहे करीब 76,000 नागरिकों को युद्धग्रस्त इलाका खाली करने को कहना पड़ा है। लगभग 5 दिनों के यूक्रेनी हमलों के बाद
रूसी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों को शाबाशी दे रहे हैं, उनका जोश हाई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि यूक्रेन के सैनिकों ने इतने भीतर रूस में घुसकर जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेनी सेना रूस की सीमा के 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई है। यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिक, 20 बख्तरबंद गाड़ियां और 11 टैंक रूस में मौजूद हैं। अब तक यूक्रेन ने रूस के 15 सैन्य वाहनों को तबाह किया है। उनका अगला टारगेट सुज्जा शहर बताया जा रहा है, जबकि उन्होंने यहां कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि पुतिन की असली चिंता कुर्स्क प्रांत के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मंडरा रहे खतरे को लेकर है। बेलारूस ने भी यूक्रेन बॉर्डर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है, ताकि अगर उस पर कोई हमला हो तो वो जवाबी कार्रवाई में हिस्सा ले सके। माना जा रहा है कि रूस भी बदले की कार्रवाई में यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। दूसरी ओर इस बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने चेतावनी जारी की है, ताकि कोई परमाणु युद्ध का आगाज ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, Z मीडिया, Z न्यूज़।